हाय स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। अपन डिटरमिनेंट में क्वेश्चन कर रहे हैं, जिसमें आरबीसी बुक के हमने शायद क्वेश्चन एग्जांपल नंबर 13 तक कर लिए थे। आपसे बोला था आप एक्सरसाइज के क्वेश्चन ट्राई करते रहना, एग्जांपल के मैं बताऊंगा। अब आगे आपके पास एग्जांपल नंबर 14 है, उसको देख लेना आप। 15 पे बात करता हूँ मैं। एग्जाम्पल नंबर 14 में है कुछ नहीं बेटा, 15 को देखिए। इसमें दे रखा बेटा ए प्लस बी प्लस टू सी, इसके बाद दिया है ए, इसके बाद दिया है बी, फिर दिया है सी, फिर दिया है बी प्लस ए प्लस टू, नहीं सॉरी, बी प्लस सी प्लस टू ए, फिर आगे दिया आपको दिया है बी, ऐसे यहाँ पे सी, यहाँ पर ए, और इसके बाद दिया है सी प्लस ए प्लस टू बी इक्वल टू, में आपको सिद्ध करना है ए प्लस बी प्लस सी की पावर पी। ये आपको प्रूव करना है, क्वेश्चन सही लिखा है ए प्लस पी प्लस टू सी ए बी सी, बी प्लस सी प्लस टू ए बी और टू बी सी ए। बेटा ये क्वेश्चन दिया हुआ है, अब इसको सॉल्व करना है। मैंने एक आइडिया दिया था कि जब डिटरमिनेंट का साइज आपको दिख जाए बड़ा था, तो उसमें आप एक बार क्या कर लेना, आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री या सी वन पे सी वन प्लस सी टू प्लस सी थ्री लगा के देख लेना। इसमें अपन बात कर ले, ऐसे ही देख रहा हूँ मैं। देखो यदि मैं इन तीनों को ऐड कर रहा हूँ, आर वन पे क्या लगा लो, आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री, तो क्या हो रहा है ए प्लस बी प्लस थ्री सी, यहाँ क्या होगा बी प्लस सी प्लस थ्री ए, ये क्या होगा सी प्लस ए प्लस थ्री बी, कोई कॉमन नहीं है, किसी में 3a आ रहा है, किसी में 3b आ रहा है, किसी में 3c, कोई कॉमन आपको नहीं दिख रहा है। तो अब अपन क्या करेंगे, आगे चलते हैं। आर वन पे काम नहीं चला तो अपन सी वन पे लगा कर देते हैं। सी वन पे लगा कर देखो, ये देखो 2a 2b 2c, यहाँ पर हो जाएगा 2b 2c 2a 2c 2a 2b, तो अपने पास आ गया 2a 2b 2c। किस पे लगाया बेटा हमने, C1 पे लगा दिया, C1 प्लस C2 प्लस C3, ये हमने लगा दिया इस पे। ऐसे लगा दो C1 पे तो क्या होगा बेटा, C1 पे लगाओगे तो सब में अपने पास क्या आ रहा है 2A 2B 2C, देखना ऐड करके देखो, तो 2 कॉमन ले लो A प्लस B प्लस C, C1 पे लगाया है तो C1 पे चेंज होगा 2 A प्लस B प्लस C 2 A प्लस B प्लस C, और हमने C1 और सॉरी C2 और C3 पर कुछ भी नहीं किया है, तो उसको ऐसे ही उतार दो A B प्लस सी प्लस टू ए, ए बी बी सी प्लस ए प्लस टू बी। अपन कौन सा ले रखे हैं बेटा, लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड में अपन पहुंच जाएंगे। तो सी वन से देखो क्या कॉमन दिख रहा है बेटा, बाहर निकालो क्योंकि हमें जरूरत भी थी, टू ए प्लस बी प्लस सी पावर थ्री आएगा, तो निकालो सी वन से क्या निकाल लो, टू ए प्लस बी प्लस सी निष्ट लेने पर, इसको बाहर निकालने पर क्या बचाएगा बेटा, ए प्लस बी प्लस सी, यहाँ पे तो वन वन हो जाएगा क्योंकि हमने टू ए प्लस बी प्लस सी बाहर निकाल दिया। इसके बाद क्या हो गया बेटा, ए बी प्लस सी प्लस टू ए, ए बी बी सी प्लस ए प्लस टू बी। अब आपको क्या करना है, जब आपको किसी भी सी वन या आर वन पे, सी वन या R1 पे जब भी आपको दिख जाए 111, तो प्रयास ये करो कि दो को जीरो कर दो, दो को जीरो कर दो। यदि तीनों को जीरो कर देता तो सारणिक का मान क्या हो जाएगा बेटा, जीरो हो जाएगा। तो आप क्या करो, यहां पर R1 पे लगा दो R1 माइनस R2, और R2 पे लगा दो R2 माइनस R3, अपने आप सेट हो जाएगा, उसे हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो जब अपन हम करेंगे तो देखो क्या होता है, यहां पर 2a प्लस बी प्लस सी ये बनेगा बेटा, ध्यान से देखना, आर वन पे क्या करो, आर वन माइनस आर टू, वन माइनस वन जीरो, माइनस करोगे तो क्या होगा ध्यान से देखो, तो ये काम कर लेना चाहिए था, मैं गड़बड़ कर दिया हूं, आर टू माइनस आर वन कर देना चाहिए था, चलो कोई बात नहीं है, माइनस आ जाओ, तो ये क्या होगा देखो ध्यान से, वन माइनस वन तो जीरो हो गया, इसमें से इसको माइनस कर रहा हूं तो माइनस बी माइनस सी माइनस टू है, देखो माइनस बी माइनस सी माइनस टू है, माइनस कॉमन ले लो तो क्या बनेगा, ए प्लस बी प्लस सी,
अब बी माइनस बी क्या हो गया बेटा, जीरो हो गया। अब क्या कर रहा हूँ, आर टू पे क्या लगा है, आर टू माइनस आर थ्री, वन माइनस वन जीरो, इसको माइनस करोगे तो क्या बनेगा, बी प्लस सी, तो ये आ गया ए प्लस बी प्लस सी, ये भी आ गया। इसको इससे माइनस कर दें, माइनस सी माइनस है तो माइनस कॉमन ले लो, ए प्लस बी प्लस सी, और अपना काम ये तो बहुत ही बढ़िया से बन गया, ये तो कुछ रह ही नहीं है इसके बाद तो आपका। अब देखो ध्यान से, तो आर वन से क्या कॉमन दिख रहा है, ए प्लस बी प्लस सी, आर टू से भी क्या कॉमन दिख रहा है बेटा, ए प्लस बी प्लस सी। आपको क्या करना है नेक्स्ट स्टेप में, आर वन और आर टू से ए प्लस बी प्लस सी उभयनिष्ठ लेने पर, तो उभयनिष्ठ ले लो, तो अपने पास ध्यान से देखना आप समझना, ए प्लस बी प्लस सी ये तो पहले से था ही, तुमने एक आर वन से भी ए प्लस बी प्लस सी निकाला हुआ है और आर टू से भी ए प्लस बी प्लस सी निकाला, कितने ए प्लस बी प्लस सी निकाले, दो, अब पहले से ही ए प्लस बी प्लस सी बाहर था तो इसकी पावर कितनी होने वाली है, थ्री होने वाली है, वन पहले से था, टू तुमने और निकाले, पावर कितना हो गया, थ्री हो गया। इसके बाद हो गया जीरो माइनस वन, जो बचे उसको लिख लो, जीरो जीरो एक माइनस एक वन ए सी प्लस ए प्लस टू बी। अब क्या करो, किसी के सापेक्ष प्रसार कर दो, बस काम खत्म हो जाएगा, सी वन के सापेक्ष कर दो, सी वन के सापेक्ष प्रसार करने पर, तो जब आपने सी वन के सापेक्ष प्रसार किया बेटा तो देखो क्या होगा, ये तो जीरो हो गया, हमें अंदर का मटेरियल से क्या मतलब है, जीरो होगा, वन वन है तो प्लस होगा, ये क्या है टू वन है माइनस होगा, ये भी जीरो हो जाएगा, इसे हमें अपने अपने को दिमाग में लगाना है, जीरो ये आएगा शायद थ्री वन, तो प्लस का आएगा, तो प्लस एक है तो इसको इसको छोड़ दो, माइनस वन तुमने मल्टीप्लाई किया, माइनस वन कितना हो गया बेटा, प्लस वन माइनस में जीरो, तो ये तो जीरो, ये एक आंसर आ गया, टू ए प्लस बी प्लस सी की पावर तीन, ये बराबर में शायद राइट हैंड साइड, ये हो गया, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। है कुछ भी नहीं बेटा, अगर जो थोड़ा सा प्रैक्टिस करोगे तो क्वेश्चन महा ही बेकार होते हैं, कुछ दिमाग लगाने की जरूरत नहीं होती, कुछ एक आध क्वेश्चन होंगे जो आपको परेशान कर सकते हैं, जैसे थोड़ा सा 16 है, 15 के बाद 16 पे बात करें, 16 को देखिए, सिक्सटीन में आपको दे रखा है, सिक्सटीन में अपने पास आ गया बेटा एग्जाम्पल, इसमें भी प्रूव भी करना अपने को, सिद्ध करना है, ये दिया है वन प्लस ए, वन प्लस ए वन वन वन, वन प्लस बी वन, इसके बाद है वन 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 प्लस सी बराबर में आपको दिया हुआ है, आपको प्रूव करना है कि ए बी सी तो बाहर है, वन प्लस में सॉरी ये क्यों बना रहा हूँ मैं, वन प्लस में वन अपॉन ए प्लस वन अपॉन बी प्लस वन अपॉन सी, ये आपको प्रूव करना है, ठीक है बेटा। देखो कहानी क्या है, एक तो आपको जब क्वेश्चन मिले तो आप मान लो सिद्ध करने वाले क्वेश्चन है, प्रूव करने वाले क्वेश्चन है, थोड़ा सा उसको देखो कि क्या प्रूव करना है, हम क्या सिद्ध करना है। अब सिद्ध करने वाले पे देखेंगे तो आपको क्या हो रहा है, एबीसी बाहर दिख रहा है, क्या दिख रहा है बेटा, एबीसी कोष्ठक के बाहर दिख रहा है, फिर उसके बाद वन अपॉन में ए आया है, वन अपॉन में बी आया, वन अपॉन में क्या आया बेटा, सी आया हुआ है, तो इस पे ध्यान से देखो इसमें कि यदि मैं यहां से ए कॉमन लू बाहर, ए कॉमन लूंगा तो यहां पर तो क्या है, ए है, यहां पर वन है, वन है, वन है, वन में से ए को कॉमन लोगे तो देखो ध्यान से, जो जानते हो ठीक है, जो नहीं जानते हैं, अपने पास वन था, वन में से क्या कॉमन लेना, ए कॉमन लेना है, ए तो है नहीं, तो क्या करो, ए से मल्टीप्लाई और ए से डिवाइड कर दो, इसकी वैल्यू कितनी होगी बेटा, वन होगी, इसकी वैल्यू कितनी होगी बेटा, वन होगी, जब वन होगी तो किसी भी नंबर में आप वन से मल्टीप्लाई करोगे तो कोई प्रॉब्लम होता नहीं है, यदि वन में मैं वन से मल्टीप्लाई करती तो वैल्यू कितनी आएगी, वन ही आएगी,
इसी वन। अब यहां से क्या मैं एक कॉमन ले लूंगा, जब तुम एक कॉमन लोगे यहां से तो क्या बचेगा बेटा, वन अपॉन ए, यही बचेगा। इसमें से ऊपर का एक कॉमन है तो वन अपॉन ए बच जाएगा। तो इसका मतलब यदि मैं यहां से ए निकालूंगा तो वहां यहां पर क्या बचेगा, वन अपॉन ए, वन अपॉन ए, वन अपॉन ए। यहां से बी कॉमन ले लूंगा, यहां से क्या कॉमन ले लूंगा बेटा, सी। तो कॉन्सेप्ट ये है कि वन में से ये कॉमन ले लिया तो वन अपॉन ए बचेगा। कारण क्या था कि मैंने ए से मल्टीप्लाई किया, ए से डिवाइड, इसकी वैल्यू कितनी है, वन है। ठीक है, अब आते हैं अपन काम करते हैं क्वेश्चन पे। तो आप क्या करोगे, आर वन से ए, आर टू से बी और आर थ्री से सी उभयनिष्ठ लेने पर, उभयनिष्ठ हमने ले लिया तो तुमने आर वन से ए निकाला हुआ है, आर टू से बी निकाला हुआ है और आर थ्री से क्या निकाला हुआ है बेटा, सी निकाला हुआ है। तो निकाल दो। तो यहां पर एक है, एक बटे ए बचेगा, यहां पर तो ए था तो एक होगा, यहां पर क्या होगा, वन अपॉन ए, वन अपॉन ए। यहां पर आर टू से बी निकाला तो वन की जगह पे वन अपॉन बी प्लस में वन, फिर क्या आ गया, वन अपॉन बी। फिर जैसे सी कॉमन ले लिया तो वन अपॉन सी, वन अपॉन सी, वन अपॉन सी प्लस वन, ये हो गया अपने पास। अब देखो तो कहानी में कुछ ज्यादा बचा नहीं है, ये कहानी पूरी तरह से खुल चुकी है, बस आपको बस कहानी को समझना है। सस्पेंस गायब हो गया, सस्पेंस मेन ये था, ए बी सी कॉमन लेना था और इस कहानी में कुछ भी सस्पेंस नहीं रह गया, आप डायरेक्ट अब क्वेश्चन कर सकते हो। अब सारणी बड़ा सा दिख गया, एक बार आर वन पे एक बार सी वन पे लगा के चेक कर लेते हैं कि अपनी कहानी बन जाती है। देखो यदि ये बटे में नहीं जाता तो मैं यहीं पे आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री लगा के चेक करता, लेकिन हमें बटे में चाहिए था, नीचे चाहिए था, इसलिए मैंने एबीसी कॉमन ले लिया। अब इसकी कहानी देखता हूं कि आर वन पे कार्य करेगा कि आर टू पे कार्य करेगा। तो आपको इन तीनों को जोड़ोगे तो काम नहीं बनेगा, क्योंकि यहाँ पे थ्री ए तीन बटे ए प्लस वन, तीन बटे बी प्लस वन, तीन बटे सी प्लस वन, कोई कॉमन नहीं दिखा। और ये काम करेगा आपका इन तीनों को यदि मैं जोड़ दूं, तो मतलब तीनों को जोड़ने का मतलब आर वन पे क्या लगा दो बेटा, आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री। यही कॉन्सेप्ट था, मैंने बोला था कि अपने बोर्ड के लेवल पर आपको सारणी बड़ा सा दिख जाए, कार्यक्रम स्टार्ट कर दो तीनों को ऐड करके। तो यहां पर यदि आप ए बी सी कर दो, तीनों को जोड़ दो, तो ये बन रहा है वन प्लस एक बटे ए, एक बटे बी, एक बटे सी। ऐसे इन तीनों को जोड़ोगे तब भी वही बनेगा, वन प्लस एक बटे ए, एक बटे बी, एक बटे सी। इन तीनों को जोड़े वन प्लस वन अपॉन ए, वन अपॉन बी, वन अपॉन सी। आर वन को टच किया है तो आर टू और आर थ्री तो ऐसे ही रह जाएंगे, जो बचे हुए मार्केट में उनको रहने दे, उनकी मार्केट वैल्यू तो वही रह जाएगी, ये चेंज होने वाली नहीं है, वन अपॉन सी प्लस वन हो गया। अब आपको आर वन से कॉमन दिख रहा है, क्या कॉमन दिख गया, आर वन से क्या कॉमन लगा बेटा, वन प्लस वन अपॉन ए, वन अपॉन बी, वन अपॉन सी उभयनिष्ठ लेने पर। जब कॉमन ले लिया बेटा ए बी सी तो क्या हो गया, वन प्लस इसको कॉमन ले लेते हैं, कॉमन ले लिया तो यहाँ पे वन 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 बचेगा, इसको लिख देते हैं वन वन, वन अपॉन बी, वन अपॉन बी, वन अपॉन बी, वन अपॉन सी, वन अपॉन सी, वन अपॉन सी प्लस वन, ये हो गया। अब जब भी वन वन दिख जाए तो आप दो को माइनस कर दो, जिससे आपके पास दो जीरो मिल जाए, और दो जीरो मिलते अपना कार्यक्रम और आसान हो जाएगा। उस कार्यक्रम को देखते हैं अपन, ए बी सी, ए बी सी, वन प्लस वन अपॉन ए, वन अपॉन बी, वन अपॉन सी। देखो यहाँ पर मैं संक्रिया लगा रहा था, आर वन में से आर वन माइनस आर टू कर दो, आर टू में से आर टू माइनस आर थ्री कर दो, आर वन से आर वन माइनस आर टू और आर टू पे आर टू माइनस आर थ्री लगाते हैं। देखो वन माइनस वन क्या आएगा बेटा, जीरो, सॉरी आर वन पर नहीं सी वन पे लगाना था, ये सब क्या थे, सी वन थे, सी वन पे सी वन माइनस सी टू और सी टू पर सी टू माइनस सी थ्री। वन माइनस वन जीरो,
वन बाई बी वन बाई जाएगा तो माइनस वन दे दिया, वन बाई सी जीरो। इसके बाद क्या हो गया, अब इसको माइनस करेंगे, वन माइनस वन जीरो, वन बाई गायब होकर वन दे दिया, फिर वन बाई सी गायब होकर माइनस वन दे दिया, वन वन अपॉन बी वन अपॉन सी प्लस वन, ये हो गया। अब किसके रिस्पेक्ट में प्रसार कर देना अपने को, आर वन के रिस्पेक्ट में, जिसमें जीरो ज्यादा मिल जाते हैं, आर वन के सापेक्ष प्रसार करने पर। तो प्रसार कर दो बेटा, ए बी सी वन अपॉन ए प्लस वन अपॉन बी वन अपॉन सी। जब हमने प्रसार कर दिया, ए तो मार्केट में जीरो हो चुके हैं, जो बच जाए उसको लिख दो, वन है इसको छोड़ दो, माइनस वन माइनस वन, ये तो पीछे की कहानी बन गई अपनी, उसी टाइप में मिला था ये, और एक प्रूव हो गया ए बी सी। क्वेश्चन जितना देखने में कठिन सा लग रहा था, उतना रियल में कठिन तो था ही नहीं। बस मेन कहानी इसके अंदर की जो सस्पेंस वाली कहानी थी, उसमें ए बी सी आपको क्या लेना था बेटा, कॉमन लेना था, आप ले लेना स्क्रीनशॉट। अब आगे बात करेंगे, 16 हो गया, 17 कैसा है, कहाँ गया, ये है, थोड़ा सा इसमें भी काम करना है। 17 देखो बेटा जल्दी से, सेवेंटीन में दिया है बेटा आपके पास एक डिटरमिनेंट दे रखा है, एक्स प्लस ए बी सी, सी एक्स प्लस बी ए, ए बी और एक्स प्लस सी बराबर में आपको दिया है जीरो। इसको हल करना है, डिटरमिनेंट को हल करने का मतलब बेटा, हल करने का मतलब क्या है, आपको x की वैल्यू निकालनी है, x का मान ज्ञात करना है। तो देखते हैं, जब भी आपको सारणिक बड़ा सा दिख जाए, या तो आप r1 के सापेक्ष प्रसार कर दो, प्रसार नहीं कर रहे तो आप क्या करोगे बेटा, आपको बस ये देखना है कि किसको क्या करे तो अपना काम बन जाए। इन तीनों को जोड़ोगे तो एक्स प्लस टू ए प्लस सी मिलेगा, एक्स प्लस थ्री भी मिलेगा। मैंने क्वेश्चन सही उतार है, गलत तो नहीं उतार दिया, नहीं सी ए सी सही। तो इस पे तो इन दोनों को जोड़ने का अपना कार्यक्रम नहीं हो रहा है, इन तीनों को आपस में जोड़ दें, एक्स प्लस ए प्लस बी प्लस सी, एक्स प्लस ए प्लस बी, हाँ तो किस पे बेटा काम कर गया, सी वन पे काम कर गया, सी वन प्लस सी टू प्लस सी थ्री, सी वन पे, तो सी वन पे चेंज होगा, क्या बनना है, एक्स प्लस ए प्लस बी प्लस सी, एक्स प्लस ए प्लस बी प्लस सी, एक्स प्लस ए प्लस बी प्लस सी, ये अपना काम हो गया। इसके बाद क्या हो गया बेटा, बी एक्स प्लस बी बी सी ए एक्स प्लस सी इक्वल टू क्या हो गया बेटा, जीरो हो गया। अब कॉमन सी वन से क्या कॉमन दिख रहा है बेटा, सी वन से क्या कॉमन लेना अपने को, एक्स प्लस ए प्लस बी प्लस सी है निश्चित लेने पर, तो कॉमन ले लो, तो क्या मिलेगा, एक्स प्लस ए प्लस बी प्लस सी, ये मैंने कॉमन ले लिया, वन 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 बी सी एक्स प्लस बी ए पी एक्स प्लस सी, कैलकुलेशन मिस्टेक मत हो जाए, बस प्रॉब्लम यही रहती है। अब अपन दो जीरो कर दो, इसमें से इसको माइनस कर देते हैं, इसमें से इसको माइनस कर देते हैं, थोड़ा सा एक काम कर सकते हैं यहाँ पर, इसमें से इसको माइनस कर देंगे तो एक जीरो और मिल जाएगा यहाँ पर, चलो कोई बात नहीं है, वही कर लेते हैं, इन दोनों को माइनस कर देते हैं। आप कहीं से भी किसी को भी माइनस कर सकते हो, इसमें कोई ये नहीं कि आर वन में से आर टू को माइनस करो, आर वन में से आर थ्री को माइनस कर सकते हो, और आर टू पे भी लगा दो, आर टू पे लगा दो आर टू माइनस आर थ्री, तो अपन देखते हैं क्या कार्यक्रम चलता है अपना, ए प्लस बी प्लस सी, ये होगा वन माइनस वन जीरो, यहाँ से क्या होगा, बी गायब होकर माइनस एक्स दे दिया, ये क्या गया बेटा सी माइनस ए, फिर ये जीरो बन गया, बी गायब होकर आपको एक्स दे दिया, यहाँ से कुछ भी गायब हुआ नहीं हुआ था, इसको लिख लो ए माइनस एक्स माइनस सी, आर थ्री पर कोई कार्यक्रम नहीं हुआ था तो आपको उसको ऐसे ही छोड़ देना था। आप सी वन के सापेक्ष प्रसार कर दो, सी वन के सापेक्ष प्रसार करने पर, अब जब सी वन के सापेक्ष प्रसार कर दिया बेटा तो क्या होगा, अब हो गया x प्लस ए प्लस बी प्लस सी, ये तो बाहर का मटेरियल है, इसको रहने दो,
ये तो दो जीरो बन गए, यहाँ पे आ गया एक। अब इसमें थोड़ा सा काम करना पड़ेगा, इन दोनों का इसका इससे मल्टीप्लाई होगा तो माइनस एक्स ए माइनस एक्स माइनस सी, फिर इसका इससे होगा ये हो जाएगा माइनस एक्स, इसका इससे होगा एक्स सी माइनस ए, ये हो गया अपने पास। एक कॉमन सा भी दिख रहा है, बराबर में जीरो तो दिया है अपने को इक्वल टू में, यहाँ पर भी एक्स है और यहाँ पर भी एक्स है, तो कॉमन निकाल लो, क्या मेहनत तो नहीं करना हमने, जितना कम क्या कॉमन दिखा बेटा, माइनस एक्स कॉमन दिख गया, माइनस एक्स कॉमन दिख गया, उसको बाहर निकाल दो। अब यहाँ पर क्या होता है, ये माइनस एक्स माइनस सी, माइनस माइनस लिया है कॉमन, तो प्लस के ही बचेंगे, प्लस सी माइनस ए बराबर जीरो, देखते हैं क्या होता है, एक्स प्लस ए प्लस बी प्लस सी, यहाँ पर बच गया माइनस एक्स प्लस सी माइनस सी गायब, ए माइनस ए गायब, देखो सब कुछ गायब होकर ये दे दिया आपको एक्स स्क्वायर, एक्स प्लस ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू जीरो, यहाँ से एक्स स्क्वायर इक्वल टू जीरो होगा, या एक्स प्लस ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू जीरो होगा, यहाँ से एक्स की वैल्यू जीरो होगी, या एक्स की वैल्यू इधर सबको ले जाऊ, ये हो जाएगा आपको, यहाँ से एक्स की वैल्यू निकालनी थी तो ए प्लस बी प्लस सी को उधर रख दिया। देखो स्क्रीन शॉट ले लो आप। अब आते हैं नेक्स्ट, 17 हो गया, इसके बाद बात करें तो 18 पे, 18 की कहानी भी बहुत बड़ी सी है बेटा, टाइम तो लगेगा ही, तो लगने दो, तो 18 देखते हैं अपन। एग्जाम्पल जितने कठिन से दिए हैं उतने में एक्सरसाइज तो बहुत ही आसान दे रखे हैं, तो कठिन वाले काम मैं कर दे रहा हूँ, आसान वाले कार्यक्रम आप कर लेना। तो 18 में आपको दिया हुआ है, 18 में दे दिया आपको, इसमें कुछ ज्यादा लिखना पड़ेगा मुझे, मैं लिखना बहुत कम पसंद करता हूँ, एक्स वाई जेड, इसके बाद दिया एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, इसके बाद दिया है आपको वाई जेड, थोड़ा ये अलग सा है बेटा, जेड एक्स और एक्स वाई है इक्वल टू, मैं आपको बहुत बड़ा सा सिद्ध करने के लिए तो सिद्ध करवा दिया है, वाई माइनस जेड जेड माइनस एक्स एक्स माइनस वाई, इसको थोड़ा मैं अपने तरीके से लिख लेता हूँ, एक्स माइनस वाई वाई माइनस जेड जेड माइनस एक्स, फिर इसके बाद इतना काम कौन करेगा, वाई जेड जेड एक्स, फिर इसके बाद एक्स वाई, ये बोला हुआ है, क्वेश्चन देखकर ही दिमाग खराब हो जाता है इसको, तो देखते हैं क्या होता है, करना तो इधर से करना है अपने को, इसके बराबर इसको प्रूफ करना है, तो चलो देखो कैसे करते हैं इसको, अपन उठाएंगे इसका लेफ्ट हैंड साइड, थोड़ा अलग सा है, इसमें एक काम करना है आगे बढ़ने से पहले, इसमें तो इसमें आपको x से मल्टीप्लाई करना है, इसमें आपको y से मल्टीप्लाई करना है, और इसमें आपको z से मल्टीप्लाई करना है, मैं क्या बोल रहा हूं, C1 में x से, C2 में y से, C3 में z से आपको क्या करना पड़ेगा बेटा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले इसमें एक कार्यक्रम करना पड़ेगा कि C1 पर x से, C2 पर y से, और C3 पर z से मल्टीप्लाई करो। अच्छा, किसी संख्या में मल्टीप्लाई करते हैं तो उसको वही संख्या लाने के लिए अपन क्या करते हैं, नीचे उसी से डिवाइड कर देते हैं, मान लो 3 है यहाँ पर, आपने इसको 3 में मान लो 6 से मल्टीप्लाई कर दिया, अब वही संख्या लानी चाहिए तो 6 से आप क्या कर दोगे, डिवाइड कर दोगे, तो यही काम यहाँ पर भी करना है आपको, बस इसलिए बोला थोड़ा क्वेश्चन ये आपका हटके आए, तो यही हटके था कि इसमें अपन डायरेक्ट कार्यक्रम में स्टार्ट करते हैं, इसकी जो कार्यक्रम की कहानी है उस कहानी में अपन क्या करते हैं, पहले C1 पे x से मल्टीप्लाई करेंगे, जिससे क्या होगा ना कि यहाँ पर एक्स वाई जेड, यहाँ पर एक्स वाई जेड और एक्स वाई जेड यहाँ पर मिल जाएगा, उसको अपन कॉमन ले लेंगे, तो मैं क्या कर रहा हूँ, C1 पर x C1 कर रहा हूँ, C2 पर y C2 कर रहा हूँ, और C3 पर क्या कर रहा हूँ बेटा, z C3 कर रहा हूँ। अब आपको मैंने बताया कि किसी भी नंबर में संख्या में आप
किसी और संख्या से मल्टीप्लाई करोगे तो वही संख्या लाने के लिए आपको उसी उसी नंबर से क्या कर देता है बेटा, डिवाइड कर देते हैं। तो ये कहानी आपकी है, इसमें आपने सीवन में एक्स से मल्टीप्लाई किया, इसका मतलब मुझे एक्स से आपको क्या करना पड़ेगा, इसको डिवाइड करना पड़ेगा। वाई से भी किया है मल्टीप्लाई तो वाई से भी डिवाइड करना पड़ेगा, और जेड से मल्टीप्लाई किया है तो जेड से डिवाइड भी करना पड़ेगा। तो अब क्या बनेगा बेटा, यहाँ पर ये हो जाएगा। अब इसमें मल्टीप्लाई किया एक्स स्क्वायर एक्स की पावर 3, ये बन जाएगा एक्स वाई जेड, ये बन जाएगा वाई स्क्वायर वाई की पावर 3 एक्स वाई जेड, ये भी बनेगा, ये बन जाएगा जेड स्क्वायर जेड की पावर 3 एक्स वाई जेड, ये हो गया। अब आपको देख रहा होगा कि आर थ्री से एक्स वाई जेड क्या है, कॉमन है। आर थ्री से एक्स वाई जेड उभयनिष्ठ लेने पर, जब उभयनिष्ठ हो गए तो बाहर निकाल दो, तो ऊपर बाहर क्या जाएगा एक्स वाई जेड, नीचे भी क्या है अपने पास पहले से एक्स वाई जेड है, ये बन गया एक्स स्क्वायर एक्स की घात 3, ये बन गया 1, फिर है वाई स्क्वायर वाई की पावर 3 फिर 1, फिर जेड स्क्वायर जेड की पावर 3 फिर 1। ये तो दोनों शहीद हो गए, दोनों एक दूसरे का अपोजिट है, एक ऊपर है एक नीचे है, दोनों ने एक दूसरे को मारकर गायब कर दिया। अब ये 1-1 है, अपन जीरो कर लेते हैं, इससे इससे इसका इससे कर देते हैं। तो C1 पे लगा दो C1 माइनस C2 और C2 पे लगा दो C2 माइनस C3, तो क्या होगा बेटा देखते हैं अपन, आराम आराम से करना, क्वेश्चन थोड़ा बड़ा सा जाएगा ये। तो देखना एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर क्या आएगा बेटा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये क्या आएगा एक्स की पावर 3 माइनस वाई की पावर 3, 1 माइनस 1 क्या हो गया बेटा 0 हो गया। अब बात करें यहाँ पर इससे, तो ये क्या बनेगा बेटा वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर वाई की पावर 3 माइनस जेड की पावर 3, 1 माइनस 1 क्या हो गया बेटा 0 हो गया। अब हमने C3 को टच नहीं किया, तो C3 तो ऐसे ही रहेगा, ये तो चेंज होने वाला नहीं है, ये हो गया। अभी थोड़ा इसमें फॉर्मूले लगा दें अपन, जो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, जो अभी तक याद नहीं हुए क्लास में पूछो तो ये क्या होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या बनेगा बेटा एक्स माइनस वाई एक्स प्लस वाई, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए क्यूब माइनस बी क्यूब क्या होता है बेटा ए माइनस बी, फिर होता है ए एक्स स्क्वायर होगा वाई स्क्वायर होगा फिर प्लस में क्या होगा एक्स वाई होगा, फिर क्या होगा बेटा 0 हो गया। फॉर्मूला याद होना चाहिए, यही काम इसमें कर देते हैं। तो ये बन जाएगा बेटा वाई माइनस जेड वाई प्लस जेड, फिर से बन जाएगा इसमें भी फॉर्मूला लगा दो वाई माइनस जेड और बनेगा वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस में वाई जेड, फिर अपने पास हो गया जेड स्क्वायर जेड की पावर 3 और मैंने यहाँ पर क्या अच्छा 0 है, यहाँ पर भी 0 है वहाँ पर भी 1 है। थोड़ी सी कहानी में देखो, तो कहानी में आपको कुछ कॉमन सा दिख रहा होगा, उसको कॉमन निकाल लेते हैं। कहानी में क्या कॉमन दिख रहा है बेटा, तो कॉमन क्या दिख गया आपको, R1 में देखो नहीं R1 नहीं C1 में देखो, C1 में क्या है X माइनस वाई, C2 में क्या है Y माइनस जेड, तो आप क्या करोगे C1 से X माइनस वाई C2 से Y माइनस जेड उभयनिष्ठ लेने पर। अब मैंने उभयनिष्ठ ले लिया तो क्या मिल गया बेटा X माइनस वाई वाई माइनस जेड मैंने कॉमन ले लिया, तो अब जो बचा उसको लिख दो, यहाँ बच गया X प्लस वाई, यहाँ क्या बच गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई 0, इधर बच गया अपने पास वाई प्लस जेड, इधर बच गया वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस वाई जेड, इसके बाद 0, फिर क्या बोला जेड स्क्वायर जेड की पावर 3 ये 1, ये हो गया। इसके बाद इधर आते हैं, ये तो बाहर अपने पास है एक्स माइनस वाई वाई माइनस जेड, इसको तो रहने दो। अब कुछ और संक्रिया लगा दें जिससे अपना काम हो जाए। आपको क्या लेना है, एक्स माइनस वाई वाई माइनस जेड, एक्स माइनस वाई वाई माइनस जेड आगे जेड माइनस एक्स चाहिए, इसमें से इसको माइनस करूंगा तो एक्स माइनस जेड मिलेगा, हमने क्या चाहिए जेड माइनस एक्स, इसमें से इसको माइनस कर दूंगा तो अपना काम हो जाएगा। तो क्या कर रहा हूँ, इसमें से इसको माइनस करूंगा तो सी टू पे क्या माइनस कर सी टू माइनस सी वन सी टू माइनस सी वन, तो माइनस करके देख लेते हैं वाई माइनस जेड ये आ गया बेटा, C2 पे लगाना है तो C1 पे कोई छेड़खानी नहीं करनी है, C1 को तो ऐसे ही छोड़ दो, x प्लस वाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई 0,
अब इससे इधर माइनस करो तो क्या बनेगा बेटा, वाई स्क्वायर गायब होकर क्या दे दिया आपको, जेड माइनस एक्स, इसमें वाई स्क्वायर गायब हो चुका है, तो थोड़ा सा इसमें से इसको माइनस किया, तो मैं सिस्टम में लिख दूँ इसको जेड माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस वाई वाई जेड माइनस में एक्स वाई, थोड़ा देखने में अच्छा सा लगे। बस नॉर्मल ये अपने पास कैलकुलेशन आए, एलजेब्रा करना है अपने को, प्लस माइनस ही करना है, कॉमन लेना है और आंसर आ जाएगा। इस क्वेश्चन में थोड़ा धैर्य की जरूरत है। तो x प्लस वाई हो गया, ये तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई है जी। देखो आप यहाँ पे प्रसार भी कर दोगे तो आंसर आएगा, लेकिन इसके प्रसार करने के बाद कैलकुलेशन बहुत ज्यादा है, इसमें आपका कैलकुलेशन कुछ भी नहीं, केवल प्लस माइनस करना है आपको। तो ये तो जेड माइनस एक्स हो गया, ध्यान से देखो तो इसमें फॉर्मूला लगाओ तो क्या बनेगा, जेड माइनस एक्स जेड प्लस एक्स, इसमें से कॉमन ले लो, क्या कॉमन दिख रहा है, वाई प्लस वाई कॉमन ले लिया, जेड माइनस एक्स, इसके बाद यहाँ पे जीरो, जेड स्क्वायर जेड की पावर तीन वन। अब देखो तो सी टू से क्या कॉमन दिख रहा है, जेड माइनस एक्स जेड माइनस एक्स जेड माइनस एक्स, तो सी टू से क्या ले लो बेटा, जेड माइनस एक्स उभयनिष्ठ लेने पर, तो बाहर तो पहले से था एक्स माइनस वाई वाई माइनस जेड और जेड माइनस एक्स भी कॉमन आ गया, तो अंदर क्या बच गया, जीरो एक्स प्लस वाई जीरो, यहाँ पर तो जीरो है, जेड माइनस एक्स कॉमन ले लिया एक बचा, इसको कॉमन ले लिया इसको कॉमन ले लिया, क्या बचा हुआ अभी, जेड प्लस एक्स प्लस वाई, अब बच गया अपने पास जेड स्क्वायर जेड की पावर तीन वन। अब थोड़ी सी और काम कर लें, अब क्या करो आरोन के सापेक्ष प्रसार कर देते, इतना काम हो गया, अब ज्यादा काम नहीं करेंगे अपन, आपको क्या करना आरोन के सापेक्ष प्रसार कर देना है, आरोन के सापेक्ष प्रसार करने पर, आरोन सापेक्ष मैंने प्रसार कर दिया तो क्या आ गया बेटा, अब देखो ध्यान से, तो एक्स माइनस वाई वाई माइनस जेड और जेड माइनस एक्स तो रहने दिया, स्टार्टिंग के दो तो उसने जीरो कर दिया, प्लस वन कर दिया यहां पर, सॉरी यहां पर मैंने क्या कर दिया, ये कहां से लिख दिया, कुछ गड़बड़ मैंने किया क्या, देखो ये उल्टा लिख दिया था, यहां से मैं ध्यान नहीं दे रहा हूं, ये ऊपर जेड माइनस एक्स कॉमन है, थोड़ा सा मैंने गड़बड़ लिख दिया, यहाँ पर जेड माइनस एक्स कॉमन लिया एक, यहाँ पर क्या बचेगा बेटा, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, यहाँ पर क्या बचेगा, जीरो, ये है। तो आर वन के सापेक्ष प्रसार ना करके आपको किसके सापेक्ष प्रसार करना था, आर थ्री के सापेक्ष, क्योंकि जीरो इसमें जा रहा है, तो मुझे कुछ नहीं करना है, यहाँ पर क्या कर दूँ, आर वन जगह पे आर थ्री कर दिया, तो ये हो गया बेटा, थ्री वन होता है तो प्लस होगा, थ्री टू होता है तो माइनस होगा, थ्री थ्री होता है तो प्लस होगा, वन हो गया, तो आपको क्या करना है, इसको छोड़ देना और इसको छोड़ देना है, अपना आंसर क्या लाना था, तो मैं क्या ला रहा हूँ, ये हो गया, इसको इसको मैंने छोड़ दिया, इसका मल्टीप्लिकेशन जीरो हो जाएगा, इसका कहाँ से गड़बड़ मैंने कर दिया, गलत मैंने क्वेश्चन ही उतार दिया था कि सिद्ध करना है अपने को, सिद्ध तो वही करना है, तो लग रहा है मैंने कुछ संक्रिया गलत इधर उधर कर दी है, सी टू पे लगाया सी टू माइनस सी सी वन, सी टू पे लगाया सी टू माइनस सी वन, यहाँ तक तो सही था, फिर यहाँ पर हमने एक्स प्लस वाई ये लिखा हुआ है, ये लिखा है वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर वाई जेड जीरो है, वन वन था जीरो आएगा, जेड स्क्वायर जेड की पावर थ्री वन आ गया, अच्छी बात है, फिर हमने क्या किया माइनस किया सी टू पे, क्या है सी टू माइनस, ये आ गया, ये हो गया, यहाँ से आपके पास था वाई स्क्वायर कॉमन हो गया, बाहर कट गया था जेड स्क्वायर माइनस है वाई जेड माइनस एक्स वाई, जेड इसमें लगाया जेड सही लगाया, इसमें से वाई कॉमन लिया जेड माइनस एक्स, ये सही बचा हुआ है, ये गड़बड़ मैं कर दिया हूँ, यहाँ पे एक्स प्लस वाई था, ये कहाँ से, देखो इसको भी मिस्टेक कर लिखा हुआ, ये है एक्स प्लस वाई, ये क्या है आपको एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, दिमाग कहाँ था मेरा, एक्स वाई ये हो गया जीरो, ये है बेटा मिस्टेक किया था मैंने, इसलिए प्रॉब्लम हो गई, थोड़ा सा सही कर लेना आप, इसमें गैप है दोनों में, ठीक है, आप देख रहे हो तो आप तो गलतियाँ पकड़ लिए होगे कि हाँ मैं गलत कर दिया था,
इसका मतलब ये हो गया, तो अब ये करना है, मतलब इसका मल्टीप्लिकेशन इससे होगा, तो वन में है आपके पास x प्लस वाई का मल्टीप्लिकेशन किससे करना है बेटा, ये x प्लस वाई प्लस जेड से करना है, x प्लस वाई प्लस जेड से करना है, माइनस में इसका मल्टीप्लिकेशन इससे करना है, तो ये आ गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस में एक्स वाई, ये आ गया। थोड़ा देखो अभी मिस्टेक कर दिया हुआ तब तो दिक्कत ही होगी, x माइनस वाई, वाई माइनस जेड, जेड माइनस एक्स। अब इसमें करते हैं तो क्या मिलेगा बेटा, एक्स स्क्वायर प्लस में एक्स वाई प्लस में एक्स जेड, फिर y से करोगे तो क्या मिलेगा बेटा, वाई जेड वाई स्क्वायर, नहीं वाई एक्स मिलेगा, सॉरी देखो क्या हो रहा है, वाई एक्स मिलेगा, वाई स्क्वायर मिलेगा और प्लस में वाई जेड मिलेगा, और माइनस इसमें मल्टीप्लाई कर दे, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई, प्लस का एक्स स्क्वायर माइनस वाई एक्स स्क्वायर, प्लस का वाई स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस में वाई एक्स। तो ये माइनस के जितने कार्यक्रम थे, कहानियां, ये सब गायब हो गई हैं, तो बचा क्या है, शायद आंसर अब लग रहा है कि मुझे आ चुका है, अभी लिखने के बाद पता चलेगा। एक्स स्क्वायर गायब हो गया, ये वाई एक्स गायब कर दिया, वाई तो आपके पास बच गया बेटा एक्स वाई, ये बचा हुआ है एक्स जेड बचा हुआ है, वाई एक्स गायब कर दिया था वाई स्क्वायर, हाँ आ गया आंसर। थोड़ी सी मिस्टेक होने के बाद प्रॉब्लम हो गई थी, यहाँ पर देखने में मैंने गलत उतार ही दिया, ठीक है बेटा ये है, प्रैक्टिस इस क्वेश्चन को कर लेना आप सब, इस क्वेश्चन को प्रैक्टिस करोगे तभी होगा, ठीक है बेटा। अब आगे आते हैं नेक्स्ट, नेक्स्ट में आपको दिया है शायद, नेक्स्ट में आपको 20 में तो टाइम लगेगा, 21 भी टाइम लगेगा, ऐसा करते हैं कि अपन इसको नेक्स्ट लेक्चर में ही करवाएंगे 20 और 21 को, ये 20 भी इसी तरह है एकदम 18 की तरह, थोड़ा हटके है क्वेश्चन, और 21 भी है, 21 को करा देते हैं, या 21 को करा ही देते हैं, 20 को बाद में देख लेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में बात कर लूँगा, ठीक है बेटा। इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप सब, जो जितना कर लें उतना ही अपने लिए कम हो जाएगा, तो 21 को देख लो, इसके बाद यदि मैं 20 को करवा दे तो आप पागल हो जाओगे, कितना दिमाग सर लगवा रहे हैं 21 में, 21 में हल्का सा काम करना है। क्वेश्चन बता देते हैं बेटा, आपको दिया है सी ए बी का स्क्वायर बराबर में, अपने पास होता है 2AB दिया है, नहीं सॉरी देखो गलत बता रहा हूँ, 2BC माइनस A स्क्वायर, फिर दिया बेटा सी स्क्वायर 2AC माइनस में B स्क्वायर A स्क्वायर, इसके बाद दिया है B स्क्वायर A स्क्वायर, फिर दिया है 2AB माइनस C स्क्वायर, थोड़ा सा ये हटके क्वेश्चन ये भी है, लेकिन है आसान, है आसान। तो आपको क्या दिया है, एक सारणिक दे रखा है डिटरमिनेंट, उसका स्क्वायर बराबर में ये प्रूव करना है, तो आप बनाते हैं इसको, लेफ्ट हैंड साइड उठा लो, जो स्क्वायर इसको मैं दो बार लिख देता हूँ, ABC BCA CAB, स्क्वायर था इसको दो बार लिख दूंगा, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, ABC BCA CAB। अच्छा मैट्रिक्स में मल्टीप्लिकेशन हमने देखा था, तो देखो सारणिक मतलब मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट में एक डिफरेंस और मिल जाता है, आपने देखा था मैट्रिक्स में केवल मैंने पंक्ति और स्तंभ को उठाया, इसका पहले नंबर वाले के रो उठाता हूँ और सेकंड नंबर का क्या उठाता हूँ बेटा, कॉलम उठाता हूँ, ये तो किया था मैट्रिक्स में, केवल रो टू कॉलम होता है, मतलब पंक्ति से स्तंभ का मल्टीप्लीकेशन होता है इसमें मैट्रिक्स में, लेकिन आपके पास सारणिक में सुविधाएं कई हैं, इसमें क्या उसने बोला, आप रो से इसमें मल्टीप्लाई कर दो,
कॉलम में या रो से रो में मल्टीप्लाई कर, इस रो का इससे, इस रो का इससे, इस रो का इससे, तो अंतर हो गया ये एक अंतर है, डिफरेंस पूछा जाएगा। तो मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट में एक होता है कि मैट्रिक्स में क्या होता है बेटा, रो टू कॉलम की ओर मल्टीप्लीकेशन होता है, बट इन डिटरमिनेंट क्या होता है, रो टू कॉलम एंड रो टू रो भी आप क्या कर सकते हो, मल्टीप्लीकेशन कर सकते हो। इस क्वेश्चन को अपन जिस तरीके से मल्टीप्लीकेशन मैट्रिक्स में सीखा हुआ है उसी से करेंगे, अपन अलग तरीके से नहीं जाएंगे। तो देखो क्या करेंगे आप यहाँ पर, अब देखो अपन देखो आपको क्या लाना है, टू बी सी माइनस ए स्क्वायर, मेन इसी को पकड़ लो, ये सारे अपने आप ही आ जाएंगे। तो एक बार इसका मल्टीप्लीकेशन करके देखते हैं, तो अपने पास क्या आ गया बेटा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में क्या आ गया बेटा, सी स्क्वायर। अब क्या हो रहा है यहाँ पर, देखो टू बी सी माइनस ए स्क्वायर अपना आ रहा है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर आ रहा है, इसका मतलब अपन को कुछ इधर उधर करना पड़ेगा तभी तो आंसर आएगा, नहीं तो आंसर आएगा ही नहीं। तो अब क्या करेंगे, देखो ए स्क्वायर आ रहा है, माइनस कर रहा है बात की, लेकिन ए स्क्वायर आ रहा है मतलब अपने को इसको कोई टच नहीं करना है, ये यहीं पर रहेगा। इसका मतलब इस जो बी और सी है इनको हटाना पड़ेगा, क्योंकि यदि ऐसा रहा तो प्रूव नहीं होगा। हमें पता है कि रो और कॉलम को चेंज कर सकते हैं डिटर्मिनेंट में, लेकिन क्या होगा यदि रो और कॉलम को चेंज करो, रो को रो से मैंने दो पंक्ति या दो स्तंभ को आपस में अपन इंटरचेंज कर सकते हैं। तो यदि मैं यहीं पर बी और सी को रहने, ए को तो यहीं पर रहना है क्योंकि मुझे ए स्क्वायर चाहिए, तो बी और सी को हटाना पड़ेगा। तो बी और सी को मान लो एक सेकेंड के लिए मैं बी की जगह पे सी रख दूं और सी की जगह पे क्या रख दूं, इंटरचेंज कर दे, अभी इंटरचेंज कर रहा हूं, अब फिर मल्टीप्लाई करो, तो क्या हो ए स्क्वायर, अब इसका इससे करूंगा, सी से नहीं करूंगा इंटरचेंज कर दिया, प्लस बी सी, फिर क्या आ जाएगा सी बी। अब क्या होगा ए स्क्वायर प्लस टू बी सी, ए स्क्वायर प्लस टू बी सी, अब टू बी सी माइनस ए स्क्वायर आ चुका है, टू बी सी माइनस ए स्क्वायर आ चुका है, अपना क्या आ रहा है प्लस का रहा है, तो आपको पता है कि यदि इन दोनों को इंटरचेंज किया होगा तो इसके आगे क्या आएगा बेटा, माइनस आएगा, माइनस आएगा, दो रो को चेंज करते हैं इंटरचेंज करेंगे तो सारणिक तो वही रह जाती है लेकिन उसका वैल्यू क्या हो जाता है, चिन्ह क्या हो जाता है, बदल जाता है। तो यहां पर क्या हो गया, माइनस हो गया। अब ये माइनस मैं यदि ये माइनस को इसमें मल्टीप्लाई कर दूं ए में, तो यहां पर क्या माइनस ए स्क्वायर हो जाएगा, तो टू बी सी क्या बनेगा बेटा, माइनस ए स्क्वायर, तो माइनस यहां पर आना ए पे। तो आपको पता है सारणिक में क्या होता है, किसी संख्या से यदि मल्टीप्लाई करते हो सारणिक में तो किसी एक रो में होगा किसी एक कॉलम में होगा, किसी एक रो में हो सकता है या किसी एक कॉलम में हो सकता है। अब यहां पर ए पे हमें माइनस चाहिए, ये जो माइनस आया था मैं मल्टीप्लाई करूंगा, तो ए पे माइनस चाहिए, ए पे या तो इसमें मल्टीप्लाई कर दो तो ए पे माइनस मिल जाएगा, या तो सी वन पे माइनस कर दो, सी वन पे मल्टीप्लाई कर दो, किसी एक रो में कर सकते हो किसी एक कॉलम में कर सकते हो। अब ध्यान से देखना, हमें बीसी तो प्लस का चाहिए तो पक्का यहाँ पर हमें माइनस नहीं चाहिए, तो माइनस को इधर मल्टीप्लाई कर दूंगा, बस एक को टारगेट करो ये अपने आप ही आ जाते हैं। तो आपको बस ये मैंने समझा दिया, अब अपन समझने के बाद केवल खेलते हैं। तो खेलने के लिए आपको क्या करना है, इस सारणिक में क्या कर देना बेटा, अब सी और बी को हटा देता हूं, इसमें आर टू और आर थ्री को हमने क्या कर दिया, इंटरचेंज कर दिया, आर टू और आर थ्री को हमने इंटरचेंज कर दिया, तो क्या आ गया बेटा, अब तो केवल खेलना है, समझने के बाद आपको बस बैट ले लो और बॉल आती जाएगी। अब मैंने इंटरचेंज किया तो बेटा क्या आ गया, माइनस वन आएगा पक्का, क्योंकि माइनस हो जाएगा ए बी सी, अब ये ऊपर चला गया सी ए बी, बी सी ए हो गया। अब इस माइनस का मल्टीप्लाई इधर कर देना, इधर कर देंगे तो प्रॉब्लम होगा क्योंकि ये भी माइनस का आ जाएगा, हमें बी सी क्या चाहिए था, प्लस का चाहिए था, अब हो गया ए बी सी, बी सी ए, सी ए बी, मल्टीप्लाई कर दिया बेटा, मल्टीप्लाई करते यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस ए माइनस बी माइनस सी, इधर का टेंशन लो ये अपने आप ही दे देगा, उसमें हमें कुछ भी नहीं करना है, सी ए बी बी सी ए ये हो गया। अब मल्टीप्लाई कर दो, आंसर शायद गड़बड़ नहीं होना चाहिए। अब देखो जिस तरीके से अपन मैट्रिक्स में करते हैं, ए कैसे करोगे तो क्या आएगा बेटा, माइनस ए स्क्वायर, बी का सी से किया प्लस में बी सी, फिर सी का बी से किया प्लस में बी सी चाहे सी बी,
फिर इसका इससे करेंगे तो माइनस ए बी प्लस बी ए प्लस में सी स्क्वायर, ऊपर क्या होगा फिर से करो, अब इसे करोगे तो माइनस ए सी प्लस बी स्क्वायर प्लस में सी ए प्लस में सी ए, फिर इसे कर दो, अब इसमें करेंगे थोड़ा सा टाइम लगेगा, माइनस ए बी प्लस में सी स्क्वायर प्लस में सी स्क्वायर प्लस ए बी, फिर इसको उठाते हैं माइनस ए बी नहीं, अब इसमें करना है देखो यहाँ मिस्टेक हो रहा था, सेकंड कॉलम में माइनस बी स्क्वायर प्लस सी ए प्लस सी ए प्लस ए सी, इधर आते हैं फिर इसको उठाओ माइनस बी सी प्लस सी बी और प्लस इसका इससे होगा ए स्क्वायर, ये हो गया। आगे बढ़ते हैं, अब थर्ड वाले से कर देते हैं, माइनस ए सी प्लस ए सी प्लस बी स्क्वायर, फिर आगे बढ़ जाओ माइनस बी सी प्लस ए स्क्वायर प्लस बी सी, आगे बढ़ते हैं माइनस सी स्क्वायर प्लस ए बी और प्लस बी ए। अब नेक्स्ट में आप प्लस माइनस कर दो, आंसर आपका आ जाएगा। इसको लिख लो क्या लिखेंगे, टू बी सी जो जिस रूप में लिखा है इसका, माइनस ए बी प्लस ए बी गायब सी स्क्वायर, माइनस ए सी प्लस ए सी गायब बी स्क्वायर, माइनस ए बी प्लस ए बी गायब सी स्क्वायर, माइनस हाँ ये बन जाएगा टू ए सी माइनस बी स्क्वायर, माइनस बी सी प्लस सी बी गायब ए स्क्वायर, यहाँ से ए सी गायब बी स्क्वायर, यहाँ से क्या गायब बी सी गायब ए स्क्वायर, और यहाँ से कोई गायब नहीं होगा शायद टू ए बी माइनस सी स्क्वायर। एक हमने केवल टारगेट किया था और बचा हुआ अपने आप ही प्रूव हो गया, ठीक है बेटा। आगे कल मैं एग्जाम्पल नंबर 20 बता दूंगा और एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन मैं बताऊंगा, ठीक है बेटा, बाय बाय।